हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष कुमार और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिट टू टिक्की वाले के बारे में। अगर आप सभी ने इसका नाम नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये दिल्ली NCR में काफ़ी फेमस हैं और जो दिल्ली वाले हैं उन्होंने इसका नाम जरूर सुना होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिट टू टिक्की वाले की अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं। और दोस्तों, केवल टिक्की या इस टाइप के फास्ट फूड नहीं होंगे, इसमें पूरा रेस्टोरेंट होगा। स्टार्टिंग में इनका जो नाम था वो बिट टू टिक्की वाले के नाम से फेमस था, बाद में इन्होंने रीब्रांडिंग की है और BTW के नाम से इनकी जो ब्रांड है। दोस्तों, इनकी वेबसाइट के द्वारा मैं दिखाने की भी कोशिश करता हूँ कि इनके यहाँ जो किस टाइप का जो फूड है वो मिलता है, वो आप ये देख भी पा रहे होंगे। न केवल टिक्की है, काफ़ी तरह के इनके यहाँ FMCG प्रोडक्ट भी हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आज बेसिकली मैं यही बताने जा रहा हूँ कि आप इनकी फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, और काफ़ी जगह इनकी फ्रेंचाइजी है वो भी दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे हैं। एक बार इनकी आप वेबसाइट जल्दी से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह के फूड को ऑफर करते हैं। सबसे अच्छी बात, इन्होंने काफ़ी ग्राउंड लेवल से ये बिजनेस शुरू किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और उसके बाद ये यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम सभी को पता है कि फूड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप सही तय करें तो उसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो अब मैं आपको एक बार इनका जो रेस्टोरेंट्स हैं कहाँ कहाँ हैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। सब कुछ जो बता रहा हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, आने वाले 8 से 10 वीडियो केवल फूड चैन के बारे में हैं, यानी आप डोमिनोज की, पिज़्ज़ा हट की, सबवे की इनकी फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और फ्रेंचाइजी के बारे में जानना है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और कोई भी क्वेरी आ रही है तो कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, इससे ही आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये किस टाइप का फूड ऑफर कर रहे हैं, लगभग आप समझ सकते हैं आज के समय में सभी टाइप का फूड ये ऑफर कर रहे हैं। और इनकी जो फ्रेंचाइजी हैं कहाँ कहाँ हैं वो आप ये देख लीजिए, काफ़ी बड़ी लिस्ट हैं। तो मेनली आप कह सकते हैं कि ये जो फ्रेंचाइजी दिल्ली NCR में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, मैं जो भी बता दूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा बता दूँ, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जब भी आप किसी भी वेबसाइट या बिजनेस के बारे में जानना चाहें तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये वेबसाइट जेन्युइन है या ये वेबसाइट फेक है। आप वेबसाइट में नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कॉपीराइट क्या है, ये बिट्टू टिक्की वाला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ही नाम है, यानी जो भी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूँ। काफ़ी सारे केसेस में क्या होता है कि हम मिलती जुलती वेबसाइट से हम धोखा खा जाते हैं और गलत वेबसाइट से हम अपने पैसे को फंसा देते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं फ्रेंचाइजी के बारे में, ये आप देख लीजिए। फ्रेंचाइजी के लिए आपको इस पेज पर आना होगा, मैं दोनों वेबसाइट के लिंक जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से आप सीधे भी आ सकते हैं, आप चाहें तो खुद ये सर्च कर सकते हैं। ये आप आएंगे तो उन्होंने एक बार मैप के द्वारा बताने की कोशिश की है के फ्रेंचाइजी कहाँ कहाँ हैं, ये आप देख सकते हैं। एक बार मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं ऐसे भर सकते हैं, कैटरिंग के लिए यहाँ से कर सकते हैं, सेल्स के लिए आपके पास ये ऑप्शन आएगा, फ्रेंचाइज के लिए आपको पास ये ऑप्शन आएगा, क्योंकि हम बेसिकली फ्रेंचाइज के बारे में आज बता रहे हैं तो हम इस फॉर्म पर आएंगे। ये आप एक बार देख लीजिए, और यहाँ भी मैं आपको दिखा दूँ, जो भी बता दूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा बता दूँ। तो यहाँ फ्रेंचाइज वाले ऑप्शन में आएंगे, आप फ्रेंचाइज के लिए इनको मेल भी कर सकते हैं, ये आप देख लीजिए। दूसरा आपको बताना चाहूँगा, फोन्स का मिसयूज़ न करें, पहले जो बेसिक प्रोसेस है वही पूरा करें, उसके बाद बहुत ज़्यादा जरूरत है या कंपनी आपको कॉल बैक ही करिए तभी आप उसका यूज करें। यहाँ आप ना फुल नेम डालेंगे, जैसे मेरे केस में मनीष कुमार हैं तो यहाँ आप मनीष कुमार डालेंगे, यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, जीमेल पे आप काफ़ी इजीली ईमेल आईडी बना सकते हैं, यहाँ आप अपना एड्रेस डालेंगे, एड्रेस वो डालना है जहाँ के लिए आप अपनी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, यहाँ अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और यहाँ आप अपना मैसेज डालेंगे और सेंड नाउ कर देंगे। दोस्तों, बताना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर, इसके अलावा फ्रेंचाइजी कॉस्ट डिपेंड करेगी आप किस तरह की फ्रेंचाइजी इनसे लेना चाहते हैं, यानी केवल आप फास्ट फूड फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या फुल फूड वाली फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। दोस्तों, कोई भी और क्वेरी होगी आप मेल करके या जब इनका कॉल आएगा उसमें पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप मीटिंग अरेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये डिटेल वीडियो था कि कैसे आप बिट्टू टिक्की वाले की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं,
और कैसे आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, फूड बिजनेस में बेसिकली 20-30% तक का आराम से प्रॉफिट होता है, लेकिन पूरा मार्केट रिसर्च करें, किस जगह पे किस चीज़ की डिमांड है इसका आप ध्यान रखें, किस तरह की लोकेशन आपको चॉइस करनी होगी ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये सारी जो बेसिक बातें हैं आप मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा ही सीख सकते हैं कि किस जगह पे रेस्टोरेंट की या इस टाइप के बिजनेस की डिमांड है, इन बातों का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।